पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में साधुओं के ग्रुप को कथित तौर पर भीड़ के पीटने का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग काफी ज्यादा आक्रोश दिखा रहे हैं। मामले पर बीजेपी ने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा, वहीं टीएमसी ने इन आरोपों पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने शुक्रवार 12 जनवरी को पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवे की ओर से शेयर किए वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि ममता बनर्जी की गहरी चुप्पी शर्मसार करने वाली है। क्या ये साधु आपकी मान्यता के योग्य नहीं है? अत्याचार जवाबदेही की मांग करता है। सोशल मीडिया पर एक 30 सेकंड की फुटेज वायरल हो रही है, जिसमें कथित तौर पर साधुओं के समूह को भीड़ की ओर से निर्वस्त करके और उन पर हमला करते हुए देखा जा सकता है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं और ना ये वीडियो हम आपको दिखा सकते हैं सुरक्षा कारणों की वजह से। वहीं बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवे ने इस घटना की तुलना साल 2020 में महाराष्ट्र के पालघर मॉब लिंचिंग से करते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में चौंका देने वाली घटना सामने आई। मकर संक्रांति के लिए गंगा सागर जा रहे साधुओं को सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी ने उससे जुड़े अपराधियों ने निर्वस्त कर पीटा। अमित वाले आगे कहते हैं कि बंगाल में हिंदू होना अपराध है। बीजेपी नेता ने कहा कि ममता बनर्जी के शासन में साजा शेख जैसे आतंकवादी को राज्य संरक्षण मिलता है और साधुओं को पीट पीट कर मार दिया जाता है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में पालघर पार्ट टू का नजारा देखने मिला। जिस प्रकार से साधु संतों को पीटा गया, टीएमसी के गुंडों के द्वारा मारा गया गंगा सागर से वो जब जा रहे थे, क्या पालघर पार्ट वन जिस प्रकार से हुआ था उद्धव ठाकरे जी के राज में, आज ममता दीदी के राज में पालघर टू इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर राजनीतिक हिंसा इस चरम पर आ चुकी है, इस लेवल पर आ चुकी है कि वहां पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसी बीच बीजेपी बंगाल के अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने भी हमले को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा। पुरुलिया से चौंका देने वाली घटना, गंगा सागर जा रहे साधुओं का टीएमसी से जुड़े अपराधियों ने निर्वस्त कर पीटा, वाकई कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर जो आक्रोश है वो बढ़ सकता है, आपसी सौहार्द भी बिगड़ सकता है। ऐसे में पश्चिम बंगाल सरकार को सामने आना चाहिए और उस पर बयान देना चाहिए।